नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह संदीप टैग पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो बैंक की सबसे बैड सर्विस बी वॉलेट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिनो बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये कुछ तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पर इसकी सबसे बैड सर्विस इसका है बी वॉलेट। बी वॉलेट में अगर आप मनी लोड कर लेते हैं तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। बी वॉलेट एक ऐसा वॉलेट ऐप है जिससे आप मनी को ट्रांसफ़र कहीं भी नहीं कर सकते, यानी कि आप अपने किसी भी अकाउंट में इस मनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस वॉलेट से आप रिचार्ज बिल पे तो कर सकते हैं, इस वॉलेट से आप किसी अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और ना ही किसी दूसरे वॉलेट में अपनी वॉलेट मनी को ट्रांसफ़र। इसकी सबसे बुरी सर्विस है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ क्योंकि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से फिनो बैंक के बी वॉलेट में 5,000 रुपये लोड कर लिया और उसके बाद मैं इसे अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहता था, तो बट इसकी सर्विस ऐसी है कि मैं किसी भी कारण से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा। जो UPI है इसकी, वो भी दूसरे अकाउंट से बैलेंस उठा रही है, इसके वॉलेट से बैलेंस नहीं उठा रही है। तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है कि इसके वॉलेट 5,000 रुपये है, वो किस तरह से मैं निकालूं। कि मर्चेंट को आप पे करते हैं तो वो भी फिनो बैंक का मर्चेंट होना चाहिए, ये भी इसकी सबसे बोरिंग बात है। आप किसी भी गूगल पे, फ़ोन पे और भारत पे जैसे QR कोड को स्कैन नहीं कर सकते इससे। जे फिनो का ही QR कोड आपको स्कैन करना होगा, वो भी मर्चेंट का होना चाहिए। मर्चेंट के QR कोड के ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके अकाउंट में, ये इसकी सबसे बुरी बात है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप फिनो का बी वॉलेट यूज़ करते हैं तो उसमें आप कम से कम मनी लोड करें ताकि आप उससे रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकें, अन्यथा आपको इस वॉलेट से मनी निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।